नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डोमो स्लेट एसएलपी 8 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 2020 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो स्लेट एसएलपी 8 में 9.61 इंच जबकि टैब A7 2020 में 9.75 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो स्लेट एसएलपी 8 में 6.38 इंच जबकि टैब A7 2020 में 6.2 इंच की विड्थ मिलती है जो कि स्लेट एसएलपी 8 से कम है। बात करें थिकनेस की तो स्लेट एसएलपी 8 में 0.39 इंच जबकि टैब A7 2020 में 0.28 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो स्लेट एसएलपी 8 में 505 ग्राम जबकि टैब A7 2020 में 476 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो स्लेट एसएलपी 8 में इप्स एलसीडी जबकि टैब A7 2020 में टीएफटी की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो स्लेट एसएलपी 8 में 10.1 इंचेस जबकि टैब A7 2020 में 10.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन स्लेट एसएलपी 8 में 800x1280 और टैब A7 2020 में 1200x2000 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्लेट एसएलपी 8 में 75.09% जबकि टैब A7 2020 में 78.99% मिलता है। बात करें पीपीआई डेंसिटी की तो स्लेट एसएलपी 8 में 149 पिक्सल प्रति इंच जबकि टैब A7 2020 में 224 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो स्लेट एसएलपी 8 में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और टैब A7 2020 की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो स्लेट एसएलपी 8 में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और टैब A7 2020 की बात करें तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो स्लेट एसएलपी 8 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और टैब A7 2020 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम सीपीयू जीपीयू रैम की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले सीपीयू जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। बात करें रैम की तो स्लेट एसएलपी 8 में 4 GB जबकि टैब A7 2020 में 3 GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों टैब में सेम ही 64 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो स्लेट एसएलपी 8 में अप टू 512 GB जबकि टैब A7 2020 में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्लेट एसएलपी 8 में एंड्रॉइड V9.0 पाई जबकि टैब A7 2020 में एंड्रॉइड V10Q देखने को मिलती है। बैटरी स्लेट एसएलपी 8 में 5020 mAh जबकि टैब A7 2020 में 7040 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो स्लेट एसएलपी 8 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,590 रुपीस में मिल जाता है और बात करें टैब A7 2020 की तो वो 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो डोमो स्लेट एसएलपी 8 में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 2020 की तो उसमें 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में स्लेट एसएलपी 8 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Realme Pad Mini LTE है, दूसरा Realme Pad Mini है, तीसरा Moto Tab G20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Realme Pad Elite है।
और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।